मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अकाउंट का चैप्टर जिसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी लेखांकन की परंपराएं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन की अवधारणाएं यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट और लेखांकन की जो अवधारणा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कई जगह अवधारणा वर्ड मिलेगा, कई जगह स्वयं सिद्धि वर्ड मिलेगा, कई जगह संकल्पना मिलेगा, कई जगह मान्यता मिलेगा, लेकिन सब क्या है, ये एक ही चीज है। इंग्लिश देखोगे सब में क्या मिलेगा, कंसेप्ट वर्ड ही मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो संकल्पना हो चाहे अवधारणा हो, बात एक ही है। और लेखांकन की अवधारणा को 14 भागों में बांटा गया है जिसमें पहली अवधारणा है अस्तित्व की संकल्पना, एंटिटी कंसेप्ट। दूसरी है मुद्रा मापक की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरी है निरंतरता की अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। चौथी है लेखांकन अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पांचवी है लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। छठी है द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सातवीं है आगम मान्यता अवधारणा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। आठवीं है आगम व्यय मिलान संकल्पना यानी मैचिंग कंसेप्ट इसको बोलते हैं। नाइन्थ है उपार्जन अवधारणा यानी एक्रुअल कंसेप्ट। दसवीं पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना, देखो इसको आपने रूढ़िवादी परंपरा पढ़ी थी ना, आपने परंपरा लेखांकन की, उसमें पहले पहले परंपरा भी आई थी, कौन सी, पूर्ण प्रकटीकरण महावर्ग था, तो पूर्ण प्रकटीकरण यानी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। समरूपता की अवधारणा, ठीक है, यहां लिखा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये भी हमने वहां पढ़ा था। रूढ़िवादी अवधारणा कंजर्वेशन कंसेप्ट। वस्तुनिष्ठता की अवधारणा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। और एक रह गई सारता की अवधारणा। इस प्रकार से 14 अवधारणा हमारी है। आज हम एक साथ इनको नहीं पढ़ सकते, आज हम इस शुरू की 4 अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो हो जाइए तैयार और सुनिए। पहली है अस्तित्व की संकल्पना। क्या है अस्तित्व की संकल्पना, देखिए आपको पता है एक होता है व्यवसाय का स्वामी और एक होता है व्यवसाय, ठीक है, एक तो व्यवसाय का स्वामी होता है और एक व्यवसाय होता है। अब चाहे व्यवसाय एकल व्यवसाय हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी व्यवसाय हो, सभी प्रकार के व्यवसाय में क्या माना गया है कि स्वामी व्यवसाय का अस्तित्व है ना, वो उसके स्वामी से पृथक यानी अलग होता है। व्यवसाय का अस्तित्व स्वामी से क्या होता है, पृथक होता है। मींस व्यवसाय में जो लेखे बनाए जाते हैं ना, व्यवसायिक लेखा के जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, स्वामी के दृष्टिकोण से नहीं। अब इस अवधारणा के कारण ही स्वामी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल, और इस अवधारणा के कारण ही कैपिटल को बिजनेस में माना जाता है लायबिलिटी, व्यवसाय का दायित्व, यानी जितनी पूंजी स्वामी ने व्यवसाय में इन्वेस्ट की है उतनी पूंजी तक वह व्यवसाय का क्रेडिटर है, लेनदार है, आया समझ में। और अगर स्वामी व्यवसाय से चाहे नगद निकालता है, चाहे व्यवसाय से माल निकालता है, चाहे व्यवसाय की संपत्तियां निजी रूप से उपयोग करता है, तो उस राशि के लिए वह व्यवसाय का देनदार है और उससे उसकी पूंजी में कमी मानी जाती है।
पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण ही स्वामी है वो अपनी पूंजी पर ब्याज चार्ज करता है, और पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर ही स्वामी के द्वारा किए गए आहरण पर व्यवसाय द्वारा ब्याज चार्ज किया जाता है। आया समझ में? और देखिए, पृथक अस्तित्व की अवधारणा का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो व्यवसाय के जो स्वामी के व्यक्तिगत खर्चे हैं ना, वो भी व्यवसाय के लेखों में लिखे जाएंगे, और उस लेखों से लिखने से व्यवसाय का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक्चुअल नहीं हो सकता। इसलिए इस अवधारणा का पालन किया जाता है। तो समझ में आया पृथक अस्तित्व की अवधारणा? आया समझ में? चलिए, मुद्रा मापांकन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है मुद्रा मापांकन की अवधारणा? यानी व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा रखा जाता है जिन लेन देनों में मुद्रा के रूप में मूल्य में मापा जा सकता है, और यह मूल्य मुद्रा का अर्थ होता है उस देश की प्रचलित मुद्रा से। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपने एक मशीन खरीदी है और मशीन की वैल्यू 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए से आप लेखा करेंगे। यहां वस्तुएं खरीदी जाती है तो उसका मूल्य मुद्रा में होता है, मात्रा में कभी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर उसने 200 बोरी गेहूं खरीदी, कितनी बोरी गेहूं खरीदी, तो यहां पर लेखा है ना वो 200 बोरियों के रूप में नहीं होगा, यहां पर लेखा होगा 200 बोरियों का मूल्य क्या है। जैसे एक बोरी का मूल्य 2,000 है तो 200 बोरियों का मूल्य होगा 4,00,000, तो यहां लेखा किससे किया जाएगा, 4,00,000 से किया जाएगा, 200 बोरियों के रूप में नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस अवधारणा में क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व भी है जो व्यवसाय की प्रोग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो, लेकिन उनका व्यवसाय में लेखा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनका मुद्रा के रूप में मूल्य में नहीं माप सकते। उदाहरण के तौर पर व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी ईमानदार टीम है, और ईमानदार टीम है तो वह ईमानदारी से काम करेगी ना, तो निश्चित ही बिजनेस की प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो, लेकिन इसका व्यवसाय में लेखा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो कितने ईमानदार है, इसका मूल्य कितने रुपए है, वो हमारे पास मालूम नहीं है। एक अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम व्यवसाय में है, उनके जो वर्कर है, उनके जो इंप्लॉई है वो अनुभवी है, और अनुभव से क्या होता है, एक विशिष्टता आती है, और विशिष्टता से क्या होता है, काम अच्छी क्वालिटी का होता है, मिनिमम टाइम में होता है, मिनिमम कॉस्ट में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसका व्यवसाय में कोई मूल्य नहीं है, उनको मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, इसलिए क्या है, उसको लेखांकन नहीं किया जाता। और बात करते हैं हम ऐसे ही, इसका एक दोष भी है मुद्रा मापांकन के उदाहरण का। दोष क्या है कि मुद्रा का मूल्य है ना वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो मुद्रा के मूल्य में कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। उदाहरण के तौर पर 2010 में आपने एक बिजनेस के लिए भूमि खरीदी जिसकी कीमत उस समय 5,00,000 रुपए 5,00,000 रुपए थी। अब आपको पता है लैंड पर डेप्रिसिएशन भी नहीं होता, लेकिन आज अगर हम उसकी कीमत देखें तो 25,00,000 है, लेकिन हमारी बुक में लेगा कितने से मिलेगा, 5,00,000 से मिलेगा, और आप उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी, 25,00,000 है या नहीं, तो इसका एक ये दोष भी है। तीसरी आती है निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है निरंतरता की अवधारणा? इस अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि व्यवसाय एक बार प्रारंभ होने के बाद निरंतर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड तक ये चलता रहेगा। लॉन्ग पीरियड का मतलब पता नहीं कितने लंबे समय तक चलेगा, चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हाँ, जब तक कोई
आकस्मिक घटना हो जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाए, वो अलग बात है। बाकी ये अवधारणा क्या कहती है कि बिजनेस एक बार शुरू हो गया तो वो निरंतर दीर्घकालीन अवधि तक चलता रहेगा। और इसी अवधारणा के आधार पर हम क्या करते हैं, व्यवसाय में स्थायी संपत्तियां खरीदते हैं। अगर विश्व बिजनेसमैन को यह पता होता कि व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलने वाला है तो फिर वो स्थायी संपत्तियां खरीदता है क्यों, किराए पर ही ले लेता, कम दाम में काम चल जाता। लेकिन उसको पता है कि इसका बिजनेस है, लॉन्ग टर्म तक चलना है, इसलिए स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती है। और इसी अवधारणा के आधार पर हमारे जो व्यय है ना, वो व्यय पूंजीगत और आयव्यय में विभाजित किए जाते हैं, ठीक है। और इसी अवधारणा के आधार पर हम क्या करते हैं, स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हमें पता है जो संपत्ति आज हमने खरीदी है, हम लॉन्ग टाइम तक उसका यूज करते जाएंगे तो वो डेप्रिशिएटेड होती जाएगी और लास्ट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सुनने तो उस दिन हमें उसकी जगह रिप्लेस करनी पड़ेगी एक नई एसेट्स को। उस दिन हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का प्रावधान करते हैं, ठीक है। किस अवधारणा के आधार पर है, निरंतरता की अवधारणा के आधार पर। और निरंतरता की अवधारणा है ना, उसी के आधार पर एक व्यापारी अपने बिजनेस के लिए रिजर्व, प्रोविजन आदि का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि पता है भविष्य में कुछ हानियां हो सकती हैं और उनके लिए हमें प्रोविजन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। यह है निरंतरता की अवधारणा। अगर लेखांकन अवधि की अवधारणा आज की अंतिम अवधारणा पढ़ रहे हैं, बाकी वो कल पढ़ेंगे। लेखांकन अवधि की क्या कह रहा है कि कोई भी व्यवसाय अपना लेखा कार्य करता है तो एक निश्चित अवधि के बाद उसके उपयोगकर्ता को उसकी सूचनाएं प्रेषित करनी होती है और वो निश्चित अवधि होती है 1 वर्ष। क्या होती है, 1 वर्ष, जिस वर्ष को कहते हैं हम वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष, ठीक है। और भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष चलता है, ठीक है। तो निरंतर लेखांकन अवधि की अवधारणा क्या कहती है कि एक बिजनेसमैन है, उसको एक निश्चित अवधि के आधार पर अपने लेखे तैयार करने चाहिए। ये एक तरीके से देखा जाए ना तो निरंतरता की अवधारणा का अपवाद भी है, इसका प्रतिरोध भी करता है। कैसे, कि निरंतरता की अवधारणा क्या कहती है कि एक व्यवसाय शुरू हो गया कभी खत्म ही नहीं होगा, तो एक बिजनेसमैन फिर लेखा अवधि क्यों मानता है, 1 वर्ष ही क्यों मानता है, क्योंकि एक निरंतरता की अवधारणा के आधार पर पता नहीं बिजनेस कितने लंबे समय चलेगा और बिजनेस की समाप्ति पर ही लेखा बनाया जाए और व्यापारी अपने लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करे, ऐसा क्या संभव है करना, संभव है। अगर बिजनेस 50 साल, 100 साल, 150 साल चला तो 150 साल तक आपने लाभ हानि गणना नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा होगा तो बिजनेस को प्रतिफल मिलेगा ही नहीं, प्रतिफल नहीं मिलेगा तो उसमें उत्साह कैसे रहेगा, कैसे वो काम करेगा, उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो लेखा अवधि की अवधारणा क्या कहती है कि हम एक निश्चित अवधि के बाद अपने लेखे बनाएंगे और इसी अवधारणा के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे आयगत और पूंजीगत व्ययों का विभाजन करते हैं। तो जो हमारे आयगत व्यय होते हैं वो इस अवधि से संबंधित होते हैं और पूंजीगत व्यय होते हैं वो दीर्घकालीन से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार हमारी आय का उपार्जन, ठीक है, वो इस आधार पर होता है। आया समझ में, थैंक यू।